अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। शेख, शादी में हल्दी और मेहंदी मनाना कैसा है जी? शादी में क्या हल्दी और मेहंदी मनाना कैसा है? शादी में हल्दी और मेहंदी की जो रस्म है वो मनाना कैसा है? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो रस्म किस तरह से मनाई जाती है। वो तरीका हराम भी हो सकता है, वो तरीका जायज भी हो सकता है। हराम इस तरीके से हो सकता है जो कि अक्सर जगहों पर होता है कि शादी मेहंदी या हल्दी के रस्म में मर्दों औरत का इख्तलात होता है, बहुत सारी बेहयाइयां होती हैं। मान लीजिए औरत को मेहंदी हल्दी लगाई जा रही है, कोई पूरे जिस्म में उसके हल्दी लगा रही है, ये जायज नहीं है। जो है औरत का जो है पर्दा करना ये जरूरी है, औरतों के सामने भी वो एक लिमिटेड जो है अंदाज में वो अपना जिस्म खोल सकती है, ऐसा नहीं है कि उसको मुकम्मल खोलने की इजाजत है। और अगर कोई वहां पे मर्द है तब तो फिर ये और भी खतरनाक चीज है। इसी तरह से मेहंदी का भी मसला है, बहुत सारी जगहों पर मर्दों से मेहंदी लगवाई जाती है, औरत हाथ में ही अगर मान लीजिए सिर्फ मेहंदी लगवा रही है या पांव में लगवा रही है, मर्दों से मेहंदी लगवाई जा रही है तो ये हराम होगा। तो बहरहाल हल्दी और मेहंदी की रस्म अगर शरीयत के दायरे में रहते हुए किया जाए, बेपर्दगी, इख्तलात, बेहयाई, इस तरह की किसी चीज का मुजाहरा ना किया जाए, तब इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये एक दुनियावी रस्म और रिवाज है। और शादी ब्याह में अलग अलग इलाकों में अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं। हाँ, वो रस्म और रिवाज जिनका ताल्लुक कुफार से है उसमें मुशाबात पाई जाती हो अगर कुफार की, तब भी वो नाजायज होगा, क्योंकि ये भी ममनू है। और इसी तरह अगर वो जायज रस्म और रिवाज है और उसमें अलग से कुछ जो है गैर जायज और हराम चीजें ऐड कर दी जा रही है, तब भी वो हराम होगा। तो अगर मेहंदी और हल्दी का रस्म और रिवाज जो है वो सही तरीके से किया जाए तो इसमें मुजायका नहीं है, लेकिन आम तौर से वो सही तरीके से अमूमन किया नहीं जाता है, उसमें बहुत सारी गैर शरई चीजें और हराम चीजों का इर्तिकाब किया जाता है।